सरना समिति द्वारा दामुडी पंचायत अंतर्गत बने डी के हाबोली मोड़ अखाड़ा में पंचायत समिति सदस्य सह भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य एसटी मोर्चा श्री सीमंत कुमार उरांव जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज ने बहुत ही धूमधाम से सरहुल पूजा महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि बागमारा विधायक सधनबाद लोकसभा प्रत्याशी माननीय श्री ढूलू महतो, पूर्व विधायक बैरमो योगेंद्र प्रसाद बाटुल, चंदन क्यारी प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, बरमसिया थाना प्रभारी कौशलेंद्र कुमार, विधायक प्रतिनिधि चंदन क्यारी दिलीप महतो, भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय उपस्थित रहे। इससे पूर्व जाहिर थान में सरहुल पर मनाया गया। गांव के पाहन से सखुआ डाल में सिंह बोगा की पूजा अर्चना कर पुष्प और प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं गांव के महिला पुरुष आदिवासी पारंपरिक धोती साड़ी पहनकर ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य प्रस्तुत किया। साथ में जन प्रतिनिधियों ने भी नृत्य में भाग लिया। वहीं रात में बागमारा विधायक लोकसभा प्रत्याशी ढूलू महतो पहुंचे। पहुंचते ही महोत्सव में उमंग और दर्शकों में जोश भर गया। विधायक ढूलू महतो ने कहा कि सरहुल पर जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ पर्व है। हमारे पूर्वज इस प्रकृति के पर्व को कई वर्ष पहले से मनाते आए हैं, जिसे हम लोगों भी बरकरार रखना है। उन्होंने आगे कहा कि प्रकृति के साथ जोड़कर सभी को रहना चाहिए। आज हम लोग प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिससे वर्षा कम हो रही है, जीव जंतु जंगल छोड़ रहे हैं। कहा कि प्रकृतिक समूह को जोड़कर एक साथ रखने का प्रतीक है। इस मौके पर सीमंत कुमार उरांव कार्यक्रम में पहुंचने वाले सभी जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों का धन्यवाद करते हुए आभार प्रकट किया। इस मौके पर ग्रामीण सदस्य संजीव उरांव, विनोद उरांव, लामलाल उरांव, बनोमाली उरांव, जीतू उरांव, अंजू उरांव समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। आज प्राकृतिक पर्व सारुल पूजा के शुभ अवसर पर आए हुए तमाम मीडिया कर्मियों को मैं सरना समिति के द्वारा हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि प्राकृतिक पर्व जो हम लोग सारुल पूजा मनाते हैं, वो पूरे झारखंड में पूरे धूमधाम से मनाते हैं और आदिवासियों का ये सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। हमारे आज 100 साल पूर्व से ही हमारे पूर्वजों ने हमारे सांस्कृतिक के और जन जंगल की जमीन को बचाए रखने के लिए ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाते हुए सभी जो नए नए अभी हमारे जो फल फूल खिलते हैं उन्हीं के स्वागत में हम लोग इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते आ रहे हैं और आगे भी हम लोग इसी तरह से आयोजन करेंगे। इस आयोजन में जो हमारे मुख्य अतिथिगण आए हैं, जैसे कि आप सब देखे हैं कि बगमारा के विधायक धनबाद लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय बड़े भैया श्री ढुल्लो महतो जी का भी मैं तहे दिल से कमेटी की ओर से अभिनंदन करते हैं, उनको भी जोहार करते हैं और उनको भी स्वागत करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं। विधायक जी का भी आना सुनिश्चित हुआ था, हमारे चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी जी का भी आना सुनिश्चित हुआ था, लेकिन किसी कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण वो इस कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उन्होंने संदेश फोन करके दिए कि मैं किसी प्रतिनिधि को भेजता हूँ और उसके प्रतिनिधि दिलीप महतो जी भी आए हुए थे। साथ में हमारे बोकारो बर्मो विधानसभा के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद बाटुल जी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, उनका भी हम सरना समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आभार प्रकट करते हैं कि वो हमारे समाज के बीच आकर हम लोगों को गौरवान्वित करने का जो कार्य किए हैं। क्योंकि इस तरह का आयोजन होता है और कोई अब तक इतना इस तरह का आयोजन हुआ ही नहीं था जहाँ तक हमको इस लोकल क्षेत्र का जानकारी है। साथ में मैं चंदन क्यारी प्रखंड प्रमुख गार्जियन स्वरूप श्री निवारण सिंह चौधरी का भी अभिनंदन करते हैं और उनका भी आभार प्रकट करते हैं। साथ में हमारे जो विधायक प्रतिनिधि विनोद गोराई जी का भी आभार प्रकट करते हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष श्री जयदेव राय जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं और उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं हमारे बारमसिया ओपी के जो
थाना प्रभारी महोदय है जो बहुत ही मिलनसार है और वो हम सब के बीच उपस्थित हुए और हम लोगों को मनोबल बढ़ाने का जो कार्य किए उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। साथ में जितने भी गणमान्य लोग मंच पर आए हुए थे, मुखियागण, वार्ड सदस्यगण, वो समाज सेवीगण, उनका भी हम तहे दिल से और हमारे सभा समिति की ओर से उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और जोहार करते हैं। जैसे कि आप सब देखे हैं कि इस तरह का जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं पूरे राज्य में आज ही के दिन होती है और हम लोग भी उसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजित किए थे और इसमें कई गणमान्य लोग भी उपस्थित हुए थे और इसी आशा और विश्वास से सभी हमारे माता बहनें बहुत ही धूमधाम से बहुत ही अपना जो सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम था उसी के उपलक्ष्य में सभी अच्छे से मनाए हैं और इस तरह से जो सहयोग मिला है लोगों का, जनता का, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि आने वाला समय में अगर इस तरह का सहयोग हमेशा अगर बना रहा है तो फिर आने वाला समय इस हाबोली मोड़ में जो हम लोग हाबोली अखाड़ा में जो हम लोग साधना समिति की ओर से जो प्रोग्राम आयोजित करते हैं इसमें कई गाँव के लोग सम्मिलित हुए हैं, जैसे कि हाबोली